एक सरोवर में विशाल नाम का एक कछुआ रहा करता था। उसके पास एक मजबूत कवच था। यह कवच शत्रुओं से बचाता था। कितनी बार उसकी जान कवच के कारण बची थी। एक बार भैंस तालाब पर पानी पीने आई थी। भैंस का पैर विशाल पर पड़ गया था, फिर भी विशाल को कुछ नहीं हुआ। उसकी जान कवच से बच गई थी। उसे काफी खुशी हुई क्योंकि बार बार उसकी जान बच रही थी। यह कवच विशाल को कुछ दिनों में भारी लगने लगा। उसने सोचा, इस कवच से बाहर निकलकर जिंदगी को जीना चाहिए। अब मैं बलवान हो गया हूँ, मुझे कवच की जरूरत नहीं है। विशाल ने अगले ही दिन कवच को तालाब में छोड़कर आसपास घूमने लगा। अचानक हिरण का झुंड तालाब में पानी पीने आया। ढेर सारी हिरनियां अपने बच्चों के साथ पानी पीने आई थी। उन हिरनियों के पैरों से विशाल को चोट लगी। वह रोने लगा। आज उसने अपना कवच नहीं पहना था, जिसके कारण काफी चोट जोर से लग रही थी। विशाल रोता रोता वापस तालाब में गया और वह कवच पहन लिया। कम से कम कवच से जान तो बचती है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि प्रकृति से मिली हुई चीज को सम्मान पूर्वक स्वीकार करना चाहिए, वरना जान खतरे में पड़ सकती है।